तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में जो कि आई हुई है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी आई हुई है। सो बेसिकली दिस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज अ गवर्नमेंट एजेंसी एज वी ऑल नो दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ द फॉरन रिलेशन ऑफ इंडिया। सो बेसिकली दिस मिनिस्ट्री इट कम्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडियाज प्रेजेंटेशन इन द यूनाइटेड नेशंस। सो इस इंटर्नशिप के लिए एनी स्टूडेंट एनी फ्रेशर ग्रेजुएट यहाँ पे इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स अप्लाई कर सकते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना आप यहाँ पे इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पे आप लोगों को स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। तो कंप्लीट डिटेल्स के साथ जान लेते हैं इस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे कितनी इंटर्नशिप्स अवेलेबल है, नंबर ऑफ इंटर्नशिप्स कितनी है। सो टोटल नंबर ऑफ 75 इंटर्नशिप यहाँ पे ऑफर किया गया है इन द ईयर 2022। सो इट्स अ सिंगल टर्म ऑफ द 3 months ड्यूरिंग अप्रैल टू जून 2022। ओके सो गाइज बेसिकली इस पोर्टल पे आप लोगों को कंप्लीट डिटेल्स मिल जाती है इस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में, लाइक एलिजिबिलिटी, इनटेक एंड ड्यूरेशन, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, आप इनके साथ कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे, ऑब्लिगेशंस क्या होगी ऑफ एन इंटर्न, टर्मिनेशन ऑफ इंटर्नशिप टाइमलाइन एंड बाकी अदर एप्लीकेशन डेडलाइंस भी आप लोग यहाँ पे चेक करके देख सकते हैं। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि यहाँ पे ड्यूरेशन क्या दी गई है इस इंटर्नशिप के लिए। ओके सो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, सो यहाँ पे आप लोग चेक करके देख सकते हैं। सो ऑल सिलेक्टेड इंटर्न्स दे विल बी रिक्वायर्ड टू जॉइन द मिनिस्ट्री ऑफ द सेम डे इन अप्रैल 2022। प्लस ईच इंटर्न विल बी एंगेज्ड फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ अ मंथ एंड द मैक्सिमम पीरियड ऑफ द 3 months। ओके सो गाइज अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग चेक करके देख सकते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है दैट इज अ ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग। ओके सो जो स्टूडेंट्स हैं वो आर प्रेजेंटली इन द फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन वेयर एन इंटर्नशिप इज अ मैंडेटरी पार्ट ऑफ देयर फाइनल ईयर करिकुलम। सो एज के बारे में अगर हम डिस्कस कर लेते हैं तो यहाँ पे एज इट शुड नॉट एक्सीड 25 years एज ऑन December 31st ऑफ द ईयर ऑफ द इंटर्नशिप। ओके सो ये रही बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो गाइज अब हम बात करते हैं कि आप लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होगा। ओके सो यहाँ पे आप लोग चेक करके देख सकते हैं जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा इट विल कंसिस्ट ऑफ 2 stages। ओके तो पहली स्टेज होगी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग एंड अनदर इज पर्सनल इंटरव्यू। ओके सो द प्रोसेस इट विल फॉलो अ कोटा कम वेटेज सिस्टम वेयर बाय द एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू ऑल द 28 states एंड द 8 union territories विल बी कंसिडर्ड। ओके सो यहाँ पे 2 interns होंगे फ्रॉम ईच ऑफ द 28 states, 2 interns फ्रॉम ईच ऑफ द 8 union territories एंड द 3 more interns विद मैक्सिमम मार्क्स। ओके सो अ मिनिमम ऑफ 30% ऑफ द 75 internships मे बी फिल्ड बाय द वुमेन कैंडिडेट्स। इट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। प्लस द कैंडिडेट शुड अप्लाई ऑनलाइन ओनली। ओके सो यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। ओके सो गाइज अगर आप लोग ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं इस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में तो यहाँ पे टाइमलाइंस भी दी गई है। सो कॉल फॉर एप्लीकेशन फॉर 1st of February, डेडलाइन फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन 15th of February, अनाउंसमेंट ऑफ द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स एंड कॉल्स फॉर इंटरव्यू, यहाँ पे डेट्स दी गई है। ऑल डेट्स आर गिवन अंडर दिस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। सो गाइज अगर आप इस इंटर्नशिप में इंटरेस्ट रखते हैं सो लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की गई है, वहाँ से डायरेक्टली आप इस पेज पे पहुँच जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एक बटन मिलेगा दैट इज रजिस्टर का बटन, आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा, उस पर बेसिकली आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करनी है इस इंटर्नशिप के लिए। ओके सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरी यूट्यूब चैनल को ताकि आप लोगों को ऐसे बेनिफिट्स डिफरेंट अपडेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिले। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।